हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन द वे अमन। तो गाइस आज है 28 मार्च और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज के ब्लॉग में क्या बात होने वाली है। और ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ये ब्लॉग शायद थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि इस पर मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अगर आप मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और कन्फ्यूज़ हैं कि आप लॉन्ग राइड्स पे या शॉर्ट राइड्स पे कैसे सामान लेके जाएंगे अपने बाइक पर, एक बात और बता दूं कि मेरी इस बार जो राइड रहेगी वो पहाड़ों में रहेगी, हिल एरियाज में रहेगी। क्योंकि लास्ट राइड जो मेरी ख़त्म हुई थी वो कन्याकुमारी के लिए थी, जो कि प्लेन एरिया ही था, बिल्कुल बस भागते चलो और भागते ही आया। तो कुछ इस तरह की राइड थी। तो इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि जो आने वाली राइड्स हैं वो मेरी पहाड़ों में होंगी। तो और 2 या 3 दिनों में मेरी राइड स्टार्ट होने वाली है। एक्चुअली जिस लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ वो काफ़ी ऑफ बीट लोकेशंस हैं, वहाँ लोगों का काफ़ी कम है आना जाना, कुछ लोग जाते हैं वहाँ बट इतना नहीं जाते। तो मैंने सोचा इस बार उन जगहों को एक्सप्लोर किया जाए, वहाँ जाया जाए, खुद भी कुछ देखें, प्यारे से नज़ारे और आपको भी इस ब्लॉग के थ्रू दिखाएंगे। और काफ़ी दिनों से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, तो अब जो है मेरी रेगुलर वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगी और घर के जितने भी काम थे वो सब हो चुके हैं, मैं बिल्कुल अब फ्री हूँ। तो जब मैंने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तब मैंने सैडल बैग और एक टैंक बैग लिया था राइनॉक्स कंपनी का, और स्टार्टिंग में यही सब लेते हैं और मैंने भी वैसे ही किया था और अभी भी बहुत बढ़िया काम दे रहे हैं ये बैग। मतलब कि जो मुझे चाहिए होता है इन बैग में सब कुछ आ जाता है। लेकिन कभी कभार होता है कि जब हम बहुत ही लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, जैसे कि मैं नेपाल राइड पे था, लद्दाख राइड पे था, तो बहुत प्यारे प्यारे व्यू आते हैं, कभी जंगल एरिया आ रहा है, कभी पहाड़ी एरिया आ रहा है और तब मन करता कि यार अपने पास कैंपिंग का सामान होता ना तो यहीं टेंट लगा के सोते या कभी वहाँ सोते। तो उसके लिए कैंपिंग का जो सामान होता है ना वो कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सैडल बैग में तो एक आपका अपना सामान होगा, आपके कपड़े, दूसरी साइड आपका जो बाइक का सामान होगा या फिर आपका लैपटॉप होगा। तो सैडल बैग में बस इतना ही आता है। और अगर आप कैंपिंग का सामान भी लेके जाना चाहते हैं, वैसे मैंने कैंपिंग बहुत कम की है लेकिन उसके लिए मैंने अलग से एक बैग ले रखा है। तो आज के व्लॉग में बस यही बात करेंगे कि किस सामान के लिए कौन सा बैग है, और मैं जब राइड पे जाता हूँ तो कौन कौन से बैग लेके जाता हूँ और कैसे कैसे उसमें मैंने सामान डाला होता है। करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो ये खड़ी अपनी धन्नो और सारा सामान मैंने गाड़ी में रखा हुआ है, एक एक करके निकालना पड़ेगा। ये देख लो गाइस, ये सारा सामान मुझे एक एक करके निकालना पड़ेगा। पहले मैं निकाल लेता हूँ। सारा सामान आ चुका है गाड़ी में से। ये सारे बैग्स हैं जो मेरी बाइक पे मैं राइड के टाइम यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैंने जो बैग लिए थे ना गाइस, ये 2 बैग लिए थे। ये सेट आता है राइनॉक्स का, और इसके साथ मैंने एक ये टैंक बैग लिया था। और उसके बाद कैंपिंग के लिए मेरे पास ये बैग है गाइस, और ये जो है गाइस, ये मतलब कि ये लगा लीजिए अगर मैं टैंक बैग नहीं लेके जा रहा तो सारा सामान इसमें डाल के, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है, बिल्कुल वाटरप्रूफ है, तो इसमें डाल लेता हूँ तो टैंक बैग लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये और ये 2 बैग, तो नेपाल राइड पे मैं ये सब लेके गया था, टैंक बैग नहीं लेके गया था। तो गाइस अगर आप शॉर्ट राइड के लिए जा रहे हैं, मतलब कि हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों के लिए, तो आपको जो है सैडल बैग्स कौन से और एक टैंक बैग, सिर्फ इतनी ही ज़रूरत है और किसी भी बैग की ज़रूरत नहीं है। और कैंपिंग नहीं कर रहे तो गाइस ये है सैडल बैग्स जो मैं लेके जाता हूँ, राइनॉक्स नोमैड नेम से है ये, और ये मुझे 5300 के पड़े थे दोनों। ये दोनों बैग्स ना गाइस यूनिवर्सल बैग्स हैं, किसी भी बाइक पे ये फिट हो जाते हैं। और सबसे पहले आपको जो अपनी बाइक पे करवाना होता है इन बैग्स को लगाने के लिए, ये चीज़ देख रहे हैं गाइस, ये इसको कहते हैं सैडल स्टे। ये जावा के लिए है, हर बाइक के सैडल स्टे अलग अलग होते हैं, वो अपनी सिटी में आप पता कर सकते हैं। और ये जाना कंपनी के हैं जो कि मैंने लगवाए थे आज से 1 साल, मतलब 1 साल 3-4 महीने हो चुके हैं इसको, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, काफ़ी स्ट्रांग है। तो 2100 या 2200 रुपये के ये पड़े थे मुझे जाना कंपनी के सैडल स्टे। और ये दोनों बैग इसके ऊपर कैसे लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज इन बैग की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो टू गुड है गाइज, अंदर से कुछ ऐसे नज़र आते हैं,
रेड कलर के, और ये 25 लीटर का एक बैग है गाइस, तो दोनों 50 लीटर के हुए। और इसमें आप जो है कुछ बैग जो है एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसमें जगह दे रखी है, जिप दे रखी है एक्स्ट्रा, तो 25 से जो है 32 लीटर का बैग बन जाता है ये। वो कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ गाइस आपको। तो गाइस इस बैग में ना ये एक्स्ट्रा जिप दे रखी है, जब आप इसको, एक तो अकेले कैमरा संभालना मुश्किल हो जाता है, तो इस जिप को जैसे मैंने ओपन किया गाइस, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, जिसमें 25 से अब ये 32 लीटर का बन चुका है बैग, तो काफ़ी सामान और आ जाएगा। उसी तरह से इस बैग को भी हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और बाहर की साइड एक एक्स्ट्रा जिप ये भी दे रखा है गाइस, एक्स्ट्रा सामान अगर आप कोई इमरजेंसी में कोई सामान रखना चाहते हैं तो। इसमें जैसे कि मैं बाहर वाली साइड पे, तो एक्सेलरेशन वायर या क्लच वायर या जो मुझे एकदम से चाहिए होती है वो चीज़ें मैं रखता हूँ इस साइड पे, दोनों तरफ है ये। तो सपोज़ कीजिए इसमें आपके कपड़े आ गए, और इसमें आपका लैपटॉप और आपकी जो और जो बाइक की एसेसरीज़ हैं या जो भी बाइक का सामान है वो डाल दिया। टैंक बैग में आपका सारा कैमरे से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक सारा सामान टैंक बैग में चला जाएगा, या आप इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको ये सब करने के बाद इसको बैग, इन बैग्स को बाइक के ऊपर कैसे रखना है वो बता देता हूँ। जब सारा सामान डाल लेंगे तो कुछ नहीं करना गाइस, ये जो स्ट्रैप्स दे रखी हैं इसको यहाँ से निकालना है, इसमें से निकाल के एक तो ये काम करना है गाइस इतना सा, ठीक है। और ये छोटे छोटे इसके ये बकल्स दे रखे हैं, इनको बंद कर लीजिएगा इस तरह से दोनों तरफ। सबसे पहला ये काम होगा गाइस, उसके बाद ये दो स्ट्रैप्स दे रखे हैं गाइस, इनको अटैच करना है, चिपका देना है, कि ये जो क्वालिटी है ना गाइस टू गुड है, ये कहीं भी नहीं निकलने वाले। मुझे काफ़ी टाइम हो गया इनको यूज़ करते हुए, एक साल से ऊपर ही हो चुका है ये टाइम, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिया तक इन्होंने। तो गाइस इतना सा काम है बस, ये देख लीजिए ये बैग जो है आपस में अटैच हो चुके हैं, और सिर्फ बाइक के ऊपर रखना है। तो गाइस इस तरह से ये बैग होंगे, और लाकर बस साइडल स्टे के ऊपर रख देने हैं इस तरह से, और कोई काम नहीं है। छोटा सा काम है वो बता देता हूँ, ये जो ये चीज़ है इसको भी अटैच कर दीजिएगा, टोटल तीन है ये। और कोशिश कीजिएगा दोनों का जो सामान आप रखें ना, बैलेंस दोनों का सही रहे, ये ना हो कि इसमें ज़्यादा सामान है और इसमें कम, दोनों में सामान इक्वल होना चाहिए, उससे बैलेंसिंग सही रहेगी, बाइक का राइड करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये रहा गाइस, बस इतना सा काम है। और साथ में छोटे छोटे स्ट्रैप दे रखे होते हैं, जैसे कि ये बैग के साथ ही लगे होते हैं, बस इसको आप या तो इसको बांध दीजिए अपने हिसाब से ऐसे करके, वैसे इसके साथ ना बकल आते हैं, मेरा एक टूट चुका है इसलिए मैं इसको टाई कर रहा हूँ, नहीं तो मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह के छोटे छोटे बकल आते हैं गाइस, इसको कहीं से भी आप निकाल लीजिए जहाँ से आपको ठीक लगे, सेफ रहे जहाँ से, तो ऐसे निकाल के आप बस इसको यहाँ पे इस बकल को ऐसे आप लगा दीजिए ताकि बाइक के साथ जुड़े रहिए। और इसके बाद एक यहाँ पर आता है गाइस ये चीज़, ऐसे करके आप इस बाइक को, इस स्ट्रैप को आप इस तरह से टाइट कर सकते हैं। तो गाइस ये आपस में आप जुड़ चुके हैं अच्छे से, और कहीं गिरने वाले नहीं है गाइस। तो इतना सा काम है इन सैडल्स बैग का, ये देख लीजिए कुछ ऐसा नज़र आता है पीछे से, और साइड से ये देख लीजिए लुक। और सबसे अच्छी बात इसमें गाइस, यहाँ इसमें आप पानी की बोतल, एक साइड पेट्रोल की बोतल, लद्दाख जाते टाइम आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता क्योंकि मैं इसमें रखता हूँ अपना टायर पंचर किट, और इसमें मैं मेडिसन्स आगे जो एकदम से इमरजेंसी वाली जो चीज़ें हैं
वो मैं रखता हूँ, पानी मेरे साथ ही होता है, उसके लिए मैं अलग से बैग लेके चलता हूँ। तो आगे से कुछ इस तरह की लुक है गाइज। और टैंक बैग जिसमें मेरा सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है उसको मैं कैसे लगाता हूँ, और ये है टैंक बैग राइनॉक्स कंपनी का, एक स्मॉल में आता है और एक ये बड़े साइज में। तो मैं गलती से यार बड़ा साइज ले आया था, जिसकी वजह से मैं इसको अपने टैंक पे नहीं लगा सकता बाइक की, क्योंकि वहाँ स्क्रैचेस भी पड़ जाते हैं। तो इसको मैं हमेशा पीछे वाली सीट पे रखता हूँ जब भी मैं शॉर्ट राइड के लिए जा रहा हूँ, जैसे हफ्ते या 10 दिन के लिए। तो ये मुझे पड़ा था 3400 या 3500 रुपये का चंडीगढ़ में, और आपकी स्टेट में क्या या आपकी सिटी में क्या प्राइस है वो आप चेक कर लीजिएगा। और जो स्मॉल बैग आता है वो 2100 से 2200 रुपये का आता है, सेम डिज़ाइन होता है। तो इसमें आप अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान रख सकते हैं, और साथ में रेन कवर मिलता है इसका, और सैडल बैग्स के भी रेन कवर मिलते हैं दोनों के। तो इसको कैसे लगाना है, इसके साथ ये दो स्ट्रैप्स आती हैं गाइस, और एक आगे के लिए, तीन आती हैं। मैं तो आपको ना हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप शॉर्ट राइड पे जा रहे हैं ना, तो सीट के इस पे जो है इस वाली सीट पे ही टैंक बैग रखें। यार टैंक पे रखने का कोई मतलब नहीं बनता, एक तो मुश्किल आती है राइड करने के टाइम, और पेट्रोल के लिए फिर अलग से इसको निकालो, कहीं भी रिफिल करवाना है पेट्रोल, और स्क्रैचेस का तो मैं बता ही चुका हूँ। साथ में यार ये साइज़ थोड़ा वो देख के लीजिएगा अपनी बाइक के अकॉर्डिंग, और पीछे ज़्यादा कंफर्टेबल है गाइस। तो मैं हमेशा मेरे जब भी आप ब्लॉग चेक करेंगे ये आपको पीछे ही नज़र आएगा। तो इस तरह से ये रख दिया जाता है गाइस, और इसके जो स्ट्रैप्स हैं ना गाइस ये तीन मिलते हैं, तो सिंपल सा है यहाँ से निकाल के बस ये रख लिया, इतना सा काम है। तो जैसे इसको इसके साथ अटैच कर दिया, यहाँ ये अटैच हो गया गाइस, इसी तरह से दूसरा स्ट्रैप भी हम वहां लगाएंगे उस साइड। तो यहां से ये दो काम हो चुके हैं, अब जो फाइनल स्टेप है गाइस वो यहां से है। ये वाला इसको आप यहां से निकाल लीजिए, ऐसे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन काफी इजी रहेगा आपके लिए, बस आपको यहाँ से ये टाइट कर देने ऐसे करके। तो बैग बस यहीं स्टक रहेगा, कहीं गिरने की कोई ज़रूरत, तो ये जो बैग है ना यहीं टिका रहेगा, कहीं नहीं गिरेगा। और लुक देख लीजिए कुछ ऐसा आएगा, टैंक बैग के साथ ये सैडल बैग्स लगे हुए हैं शॉर्ट राइड्स के लिए। लॉन्ग भी कर लेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कैंपिंग नहीं करना चाहते तो आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, लद्दाख भी आप लेके जा सकते हैं ऐसे, अगर कैंपिंग नहीं करनी तो। सारा सामान आ जाएगा आपका इसमें, आपका बैग आ गया, सॉरी सामान आ गया, आपके कपड़े आ गए इसमें, आपका लैपटॉप आ गया, बाइक का सामान आ गया, जो भी एसेसरीज होंगी साथ में, यहाँ मैं बता चुका हूँ कुछ भी रख लीजिएगा। मैं तो यहाँ पे अपना मेडिकल मेडिसिन रखता हूँ, और यहाँ पे मैं जो है अपना टायर पंचर किट जो होती है वो रखता हूँ। और देख लीजिएगा लुक देख लीजिएगा इस कुछ इस तरह से है, हमेशा मेरे व्लॉग में आपको ऐसे ही सेट नज़र आएगा। अब बात करते हैं अगर मुझे टैंक बैग नहीं लेके जाना है, ठीक है, और मुझे कैंपिंग का सामान साथ में रखना है, सैडल बैग और कैंपिंग का सामान और टैंक बैग का जितना भी सामान होगा वो कहाँ जाएगा फिर, क्योंकि सैडल बैग और टैंक बैग को मैं बाइक पर नहीं लगाता हमेशा, क्योंकि एक तो स्क्रैचेस ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत टफ रहता है हिल एरियाज में, तो बाइक का हैंडल जो होता है ना वो ज़्यादातर टच होता है टैंक बैग के साथ, तो मैं उसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता, उसको ले जाना ही पसंद नहीं करता। तो गाइज ये जो आप बैग देख रहे हैं ये गार्डियन कंपनी का है, और आई थिंक 50 लीटर्स का है, और मुझे पड़ा था ये 3400 से 3500 रुपये के करीब, चंडीगढ़ से लिया था मैंने ये। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, अगर आप सैडल बैग यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ये बैग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कैंपिंग के लिए रखा हुआ है, मतलब जितना भी कैंपिंग का सामान होता है ना वो मैं इसमें रखता हूँ हमेशा।
तो बैग कुछ इस तरह से नज़र आता है जो आप देख रहे हैं, और इसके अंदर भी यहाँ जिप लगी हुई है सामान रखने के लिए, बाहर भी है। और ये रहा मेरा स्लीपिंग बैग, ये रहा मेरा टेंट, और ये रहा मैट्रेसेस। ठीक है, ये हवा वाला है, मैं भर लेता हूँ अपने मुँह से, और फिर इसको जब यूज़ कर रहा है तो हवा भर भी नहीं है तो उसको निकाल लिया हवा को। और इसमें काफ़ी जगह बच जाती है कॉर्नर्स में या बीच बीच में, कोई भी आप सामान रखना चाहें। और साइड में काफ़ी सारी पॉकेट्स दे रखी हैं एमरजेंसी के लिए, जैसे मैं यहाँ पे ड्रोन रखता हूँ। इसमें मेरा देख लेता हूँ मैंने क्या रखा हुआ है। हाँ, तो गाइस ये मेरा ड्रोन सेट है, एकदम से कहीं भी मुझे कोई लोकेशन पसंद आई तो मैं अपना ड्रोन निकाला यहाँ से और ड्रोन शॉट लिया और यहीं डाल दिया। इस साइड मैंने अपने गैस सिलेंडर रखे हुए हैं गाइस, ये रहे गाइस। और इसमें आप स्टोव भी रख सकते हैं, बर्तन वगैरह जो भी है, सारा सामान आ जाता है कैंपिंग का गाइस इसमें। तो कभी यूज़ नहीं किया, एक बार यूज़ किया था जब मैं चूरधार ट्रैक के लिए गया था, लेकिन तब ये बैग नहीं हुआ करता था मेरे पास, तो सिंपल सा बैग था, उसमें सारा सामान डाल के ले गया था। लेकिन उससे बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि बाइक मेरी कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, क्योंकि सही से मैंने बैलेंस नहीं कर रखा था सामान को। तो ये कैंपिंग के लिए मैंने स्पेशल ले रखा है जो कि यहाँ पर आ जाता है सैडल पैक के ऊपर, कैसे वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। एक बात बताना भूल गया, इन सभी बैग्स के साथ चाहे ये बैग लीजिए चाहे वो वाले सैडल बैग लीजिए, स्ट्रैप भी आपको साथ मिलेंगे ये ऐसे उठाने के लिए। तो लेकिन राइड के टाइम पर ना ये बहुत कम यूज़ होते हैं, कोई यूज़ करता ही नहीं है, या इसको आप ऐसे भी उठा सकते हैं, उनमें अलग से हैंडल लगे हुए ऊपर, तो इन स्ट्रैप्स की ज़रूरत नहीं है। आप इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, लीजिए ये रिमूव हो गए। तो सिंपल गाइस ये बैग उठाकर ऐसे करके रख देना है, और कोई काम नहीं है, बस अब इसको बांधने का काम है। ठीक है गाइस, कैसे टाई करना वो भी देख लेते हैं। तो गाइस ये जो ऊपर टेल बैग मैंने रखा है, इसके साथ भी तीन स्ट्रैप्स आते हैं, दो इस तरह के और एक इस तरह का। तो कैसे लगाने वो भी मैं बता देता हूँ, सेम प्रोसेस ही होता है हर बैग को इनके साथ लगाने का। ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं ना गाइस, ये फ्रेम जहाँ आपको सॉलिड फ्रेम लगे, बस ध्यान रखिएगा कि चेन के साथ या टायर के साथ टच ना हो ये स्ट्रैप्स। बाकी यहाँ पे ये मेरा फ्रेम है बाइक का, इसको यहाँ से मैं इस तरह से बांध दिया गाइस ताकि निकले ना, और इसको ऊपर ले जाएंगे ऐसे। इस पॉइंट पे तो इस तरह गाइस इसको हम टाइट कर देंगे इस तरफ से भी, और सेम प्रोसेस उस तरफ से भी करेंगे। नीचे मैंने टाई पहले कर दिया था, और यहाँ पे ये देखिए गाइस, इधर से भी टाइट कर दिया, उधर से भी टाइट कर दिया, और ये पीछे जो है कुशन दे रखा है काफ़ी आपकी बैक रेस्ट के लिए, थोड़ा सोफा टाइप फील होता है ये। पहले आपको ये छोटा सा काम ये करना है, और उसके बाद कहाँ गया ये तीसरा स्ट्रैप, इसको भी आपको टाइट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको यहीं से इसको लेके जाना है और इसके बीच में से निकालना है, और इस तरह से इसको थोड़ा सा लूज ही रखिएगा स्टार्टिंग में, और इसको अच्छे से यहाँ से सैडल स्टे में से निकाल के इसको इस बकल में से निकाल लेना है। तो जब दोनों बकल्स में स्ट्रैप चला जाए तो इसको टाइट करना है गाइस, ऐसे ऐसे करके ऐसे, ये देखिए गाइस अब ये इतना टाइट हो चुका है कि हिल भी नहीं रहा है गाइस, ये देखिए। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कहीं भी आप किसी भी तरह से इसको बांध दीजिएगा, या जैसे आपको ठीक लगे वैसे रख लीजिएगा। तो अभी ये सैडल बैग्स हो गए हैं,
ये थोड़ा इसलिए दब रहा होगा यहाँ से क्योंकि मैंने ये खाली रखे हुए हैं। तो सैडल बैग्स के साथ ये टेल बैग, इसमें आप अपना कैंपिंग का सामान, इसमें आपके कपड़े आ गए, इसमें आपका लैपटॉप और बाइक का सामान, ड्रोन भी आ गया, सिलेंडर, स्टोव, सब सामान आपका आ गया इस वक्त बाइक पे। तो ये रहे सैडल बैग विद टेल बैग। तो गाइस ऑलरेडी इतना सारा सामान है और टैंक बैग यहाँ, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है तो राइड करना काफ़ी सही नहीं रहता। इसका मैंने सॉल्यूशन ये निकाल लिया, इसमें जितना भी सामान होगा ना गाइस वो मैं अपने वाटरप्रूफ वाले बैग में डाल के टेल बैग के ऊपर लगा लूँगा। तो अगर आप चाहें तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, अगर आप राइड कर सकते हैं टैंक बैग के साथ, तो दिखा देता हूँ। ये रहा टैंक बैग, कुछ इस तरह से नज़र आएगा गाइस। चाहे बैग को, इसके नीचे मैग्नेट लगी होती है जो टैंक के साथ चिपक जाता है गाइस ये बैग। तो देख रहे हैं इस तरह से, पर मुझे लगता नहीं है कि टैंक बैग सही रहेगा इस बाइक के लिए। और बाइक्स के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस बाइक के लिए इतना बड़ा टैंक बैग सही नहीं है। या तो छोटा ले लीजिए, मैंने गलती से बड़ा ले लिया है तो मैं इसको हमेशा पीछे ही रखता हूँ अगर मुझे कैंपिंग का सामान नहीं लेके जाना है। और इस केस में मैंने क्या किया, इसका सारा सामान जो है मैं उस बैग में डाल दूंगा और उसको यहाँ कैसे इंस्टॉल करना है वो दिखा देता हूँ। तो इस बैग में मैंने सारा सामान जस्ट डाल दिया है दिखाने के लिए, ये डाला हुआ सामान। और डालने के बाद इसको अपन यहाँ से फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करने के बाद इसके बकल जो है बंद कर देंगे इस तरह से, और इसके साथ भी ये दो स्ट्रैप्स मिलते हैं और इसको हम लगाएंगे वहाँ पर टेल बैग के ऊपर। नेपाल राइड पे मैं ऐसे ही लेके गया था। सबसे पहले आपको ये बैग इस टेल बैग के ऊपर रख लेना है सिंपल जैसे मैंने रखा हुआ है। इसके साथ दो स्ट्रैप जो आते हैं, एक स्ट्रैप मैंने टाइट कर दिया है, दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे दोनों एक जैसे स्ट्रैप जो है टाइट करने होते हैं। तो इस तरह का ये जो एक स्ट्रैप आप देख रहे हैं ना गाइस, ये इस तरह का एक सिंगल स्ट्रैप, यहाँ बैग में एक जगह बनी होती है जिसमें से आपको ये वाला बकल निकालना है पहले इसमें से। जब आप इसमें से निकाल लेंगे तो एक ऐसे रहने दीजिएगा, दूसरा जो है जो दूसरी साइड है जो ये बकल, इसको ऐसे लेके आइएगा और यहाँ पे ये चीज़ जो है आपको यहाँ से निकालनी है ऐसे, सॉरी एक यहाँ लगा हुआ है गाइस ऊपर, भूल गया था यार, एक इसके बैग के ऊपर से निकला हुआ है ये बकल, आप इसमें से निकाल लीजिएगा। इसके बाद एक बकल ये वाला, इसमें से निकाल के इसको टाइट कर दीजिएगा, खींचिएगा। और जो दूसरी साइड है ना गाइस, ये वाला बकल जितना होगा उतना हो सके उतना खींचिएगा इसको, ऐसे करके इसको लॉक कर दीजिएगा ऐसे। तो इस वक्त गाइस ये दोनों मैंने बकल लॉक कर दिए हैं, बैग भी साथ में टेल बैग के साथ अटैच हो चुका है। तो इस तरह से गाइस ये रहा मेरा टैंक बैग का सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान, इसमें कैंपिंग का, ये मेरा सैडल बैग्स, बाइक का सामान और कपड़े। तो नेपाल में मैं कुछ ये वाले बैग्स के साथ राइड किया था मैंने, और मनांग ऑफ रोड भी मैं बिल्कुल इन्हीं बैग्स के साथ गया था। वहाँ का इतना टफ मनांग ऑफ रोड किया था मैंने, मतलब ये पूरी बाइक मैं ऐसे लेके गया था वहाँ पे, और मुझे पता मैं कैसे लेके गया था इतना भारी भरकम। लेकिन इस बाइक ने कोई प्रॉब्लम नहीं दी थी, मतलब कि पिकअप के मामले में बड़े आराम से चढ़ाइयाँ चढ़ गया, और जितनी भी स्टीप जगहें थी ऊपर नीचे सब जगह से ये निकल गया था। तो गाइस ये है लॉन्ग राइड्स का सेटअप, अगर आप महीने के लिए जा रहे हैं, कैंपिंग गेयर, कैंपिंग का सामान, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, आपका सारा जितना भी सामान है इस तरह से। अभी मैंने थोड़ा सा शायद आपको टेढ़ा लग रहा हो क्योंकि बाइक भी साइड स्टैंड पे लगा हुआ है, जब ये सीधा हो जाएगा तो सही हो जाएगा। तो अगर आपके पास जावा बाइक है या कोई भी बाइक है तो इस तरह से आप अपना सॉफ्ट लगेज इंस्टॉल कर सकते हैं बाइक के ऊपर।
हर चीज़ आपके साथ होगी, मतलब एक तरह से 5-स्टार होटल ही समझ लीजिए आप साथ लिए घूम रहे हैं या पूरा घर। तो गाइज यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको देनी थी मुझे इस ब्लॉग के थ्रू, और जल्दी मेरी राइड स्टार्ट होगी। ज़्यादा लंबा ब्लॉग मैं खींचना नहीं चाहता। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें, और अगर कोई नया आया इस चैनल पे इस ब्लॉग को देख रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। गर्मी तो यहाँ बहुत है यार, पसीने निकल गए। तो जल्द मिलता हूँ मैं आपको एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग में, शायद राइड वाला ब्लॉग हो मेरा, मतलब मेरी राइड स्टार्ट हो चुकी होगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।